खबरें, वेट बहुत हो चुकी खबरें, कुछ मनोरंजक हो जाए, खबरें ही देखेंगे लेकिन बॉलीवुड स्टाइल में। जी हाँ, नमस्कार, मैं अक्षमा इदंसारी, स्वागत है आप सभी का खबर बॉलीवुड में। तो आइए देखते हैं आज की तड़कती भड़कती बॉलीवुड की खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली बात करें तो 13 मार्च को होने जा रहे ऑस्कर अवार्ड 2023 की, तो ऑस्कर जीतने की दहलीज पर खड़ा है RRR का गाना नाटू नाटू। जी हाँ, RRR अब सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर बेहद कामयाब फिल्म नहीं है, बल्कि दुनिया भर में भारत की एक और नई पहचान बना चुकी है। भारतीय सिनेमा के जीनियस डायरेक्टर SS राजामौली की इस फिल्म ने पिछले कुछ महीनों में दुनिया भर की ऑडियंस, फिल्म क्रिटिक्स और सिनेमा लवर्स का दिल जीता है। ऑस्कर में इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में भारत की तरफ से RRR को नहीं चुना गया, लेकिन RRR के मेकर्स ने इंटरनेशनल तारीफ को देखते हुए अपनी फिल्म के लिए खुद ऑस्कर कैंपेन शुरू कर दिया है। अब ऑस्कर की सेरेमनी को बस चंद ही दिन बचे हुए हैं और RRR का गाना नाटू नाटू इन अवार्ड्स की ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में टॉप 5 में है। MM किरवानी का कंपोज किया हुआ और चंद्र बोस का लिखा हुआ नाटू नाटू अपनी कैटेगरी में ऑस्कर जीतने का एक मजबूत दावेदार है। दुनिया के सबसे बड़े सिनेमा अवार्ड्स में इस गाने का जीतना सिर्फ भारत के लिए एक ऑस्कर ट्रॉफी ही नहीं लेकर आएगा, बल्कि नाटू नाटू को अगर आप डिटेल में देखें तो इस गाने में हर कोई फीलिंग, हर वो धागा है जिससे भारतीयता को जोड़कर देखा जा सकता है। बॉलीवुड फिल्म स्टारर रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म तू झूठी मैं मक्कार आखिरकार सिनेमा घर पहुंच चुकी है। इस फिल्म को रिलीज हुए 3 दिन पूरे हो चुके हैं। निर्देशक लव रंजन की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म का फैंस को काफी वक्त से बेहद इंतजार था। फिल्म को रिलीज के बाद दर्शकों और क्रिटिक से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जिसकी बदौलत रणबीर कपूर की फिल्म पहले दिन 15.73 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेने में सफल हुई। दूसरे दिन फिल्म के कारोबार में गिरावट देखी गई और फिल्म ने कुल 10.34 करोड़ रुपए ही कमा पाई। अब फिल्म की कमाई के तीसरे दिन के आधारित आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। सामने आई फिल्म की कमाई के ताजा आंकड़ों के मुताबिक फिल्म ने तीसरे दिन यानी शुक्रवार को 10.52 करोड़ रुपए की ही कमाई की है। वीकेंड के बावजूद फिल्म की कमाई में खास उछाल का ना आना ही ट्रेंड पंडितों को परेशान कर रहा है। तीसरे दिन के आंकड़ों को मिलाकर फिल्म तू झूठी मैं मक्कार ने अब तक बॉक्स ऑफिस से कुल 36.59 करोड़ रुपए ही कमा पाई है। रणबीर कपूर की इस फिल्म के लिए अब शनिवार और रविवार को ही तेज कमाई करने का मौका है। ऐसे में शनिवार रविवार को होने वाली अब इस फिल्म की कमाई पर हर किसी की नजर है। बात करें दिवंगत अभिनेता सतीश कौशिक की, तो हाल ही में सतीश कौशिक के देहांत के बाद उनका पहला वेब शो पॉपकॉर्न का ट्रेलर रिलीज किया गया है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने शुक्रवार को अपने अपकमिंग कॉमेडी शो पॉपकॉर्न का ट्रेलर रिलीज किया है। डायरेक्टर फरहाद सामजी की इस फिल्म में कुणाल केमू, सतीश कौशिक, राजपाल यादव, जॉनी लीवर, चंकी पांडे, सौरभ शुक्ला, नुपुर सेनन और जेमी लीवर लीड रोल में है। 2:17 के इस वीडियो में सभी किरदारों की कॉमिक टाइमिंग गजब की है। लव बर्ड्स कुणाल खेमू और नुपुर सेनन शादी करना चाहते हैं, लेकिन नुपुर के पिता सौरभ शुक्ला पहले कुणाल खेमू से अपने खोए हुए पिता को खोजने के लिए कहते हैं। आगे चलकर जॉनी लीवर, चंकी पांडे, राजपाल यादव और दिवंगत अभिनेता सतीश कौशिक के बीच की कश्मकश आपको बहुत गुदगुदाएगी। निर्माताओं ने शो के ट्रेलर को सतीश कौशिक को समर्पित भी किया है। वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने इसके कैप्शन में लिखा कि कॉमेडी के दिग्गज सतीश कौशिक को सलाम, जिनका काम हमें सालों तक हंसाता रहा है। बता दें कि पॉपकॉर्न के सभी एपिसोड 17 मार्च से स्ट्रीम किए जाएंगे। तो आज की बॉलीवुड अपडेट्स में बस इतना ही। अन्य खबरें देखने के लिए देखते रहिए NBCN न्यूज़। और हाँ, अगली बार फिर मिलेंगे, जुड़े रहिए BCN न्यूज़ के साथ।